जैसे निखिल जी को और सारे अपना स्टार कास्ट को हमारे तरफ से फ्रेश विशेज, ऑलरेडी रिलीज टेलीकास्ट हो चुकी है आखिरी से और उन्होंने रियल हादसे पे बनाए हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल द बेस्ट नितिन जी को, ऑल द बेस्ट, हमारे बेस्ट विशेज। सर आपके कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, अभी इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे ना, ये अभी हमारे साथ हम लोग हम लोग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। और अभी फिलहाल कुछ बताना नहीं चाहेंगे। अच्छी खुशखबरी, अच्छा सब सुनाएगी आप। ओके, थैंक यू। अच्छी लगी सीरीज, मैंने बिंज वॉच करी पूरी, दो दिन में खत्म कर दी। आई एम वेरी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशन। आई एम श्योर सब लोग सेकेंड सीजन के लिए एक्साइटेड है। आई एम वेरी हैप्पी और खुद भी OTT में काम करते हैं, मुझे लगता है कि दिस वॉज मच नीडेड स्पेशली फॉर एक्टर्स एंड आई थिंक इट्स एन एनकरेजमेंट। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, सो कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ हॉट स्टार एंड आखिरी सच। थैंक यू वेरी मच। बस मेरा शो स्टार्ट हो जाएगा 15 से, शूट कर रही हूँ। एंड थैंक यू गाइज मेरे सॉन्ग को ट्रेंडिंग करने के लिए पवन सिंह जी के साथ। एंड एक और सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम दोनों, क्योंकि लोगों को जोड़ी इतनी अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लविंग मी। एंड नया शो जो And we love you too. We love you. Thank you. बहुत बहुत खुशी होती है। आई गेस फॉर एन एक्टर किसी भी चीज़ से ज़्यादा ये इस बात की खुशी होती है कि आपका जो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत करी है उसको लोगों ने देखा, उनको उसको पसंद किया। सो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा किसी चीज़ की और हैप्पीनेस हो सकती है। यूजुअली आपको बहुत सारे DMs आते होंगे, लेकिन इस शो के लिए कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले अगर उस बारे में? इस शो के लिए डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्योंकि जनरली जब भी हम कुछ कमर्शियल कुछ लेवल का शूट करते हैं तो उसके लिए आता है लुकिंग वेरी ग्रेट, हैंडसम, बहुत अच्छी लव स्टोरी थी। बट दिस सब्जेक्ट वॉज सच अ हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट कि जिसने भी देखा या जिसने भी पूरा शो देखा या जिस कैरेक्टर को देखा या जो सिचुएशन थी उसको देखा, उनको बहुत ही हार्ड हिटिंग लगा। एंड एक वेब देखने वालों की एक ऑडियंस अलग है जो वेब सीरीज़ देखती है, उनको बहुत पसंद आया। एंड मुझे खुद भी, मैंने देखा, आई जस्ट लव्ड इट। एंड बहुत ही ऑनेस्ट शो है एंड बहुत ही हार्ड हिटिंग शो है। एंड जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देखिए आखिरी सच। क्या डिफरेंस महसूस किया एज एन एक्टर, टीवी में आपने काम किया था, OTT जी बिल्कुल नया, जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि मेरा जैसे जो टेलीविजन में जितने भी लास्ट शोज़ थे उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अलग था। एंड वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ टीम, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हमारी जो आखिरी सच की टीम थी वो इतनी ऑनेस्ट थी, इतनी प्रिपेयर्ड थी कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। वेदर इट इज़ हमारे जो डायरेक्टर हैं रॉबी सर, नीति प्रीति, निखिल सर, एवरीबडी, इवन द प्रोडक्शन, इवन द क्रिएटिव्स, एक्टर्स, तमन्ना, अभिषेक, प्रीति एंड ऑल द कास्ट, लव्ड इट। शिवन, इतना बड़ा शो हिट देने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है जी, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या थोड़ा सा चूजी बनना पड़ेगा आपको? चूजी आई डोंट नो, मुझे लोग कहते हैं मैं पहले से ही चूजी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई डू व्हाट आई लव। मुझे आखिरी सच बहुत पसंद आया था, मैंने बहुत दिल से किया। अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है आई एम श्योर वो भी बहुत दिल से होगा एंड कोशिश करेंगे और एक लेवल और रेस करें। हाँ, एक फिल्म है अभी जिस पे काम चल रहा है, अभी उसका टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अभी नाम लेना गलत होगा, बट बहुत जल्द मेरे ख्याल से अर्ली 2024 में सबको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Absolutely, I'm very excited for everyone associated with the project. Mere kafi purane dost hain, the producers Nikhil Nanda and Ujwal. So I'm very happy for them. I'm reveling in their success. So I want to congratulate them, the entire star cast, and also of course the team of Disney Plus Hotstar. What do you feel about that? You guys brought a kind of newness for everyone. Yes, it's been a boon, not just for the audience but for everyone associated with the entertainment business. Actors of course have benefited a lot kyunki abhi itna zyada content ban raha hai, acha content ban raha hai, alag hatke content ban raha hai, to creativity pe koi pabandi nahi hai. Directors and script writers, spot boys,
vanity vans, all are booked. So it's a good sign for the industry. It's great that everybody's getting so much work. And more importantly, I think the creativity is really blossoming. So I'm really, really happy about it. And it's a great time to be an actor and a part of the industry. Journey बहुत strong रही है. I mean, COVID में कोई खुशखबरी मिली थी तो खुशखबरी ये मिली थी कि आपका project approve हो गया Hotstar की तरफ से. And I think पूरी team ने बड़ा अच्छा काम किया है. Robbie Grewal ने बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्ट किया है. तमन्ना पहली बार कॉप प्ले कर रही है. आई थिंक अभिषेक के लिए भी एक नया रोल था, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है. एक सच्ची घटना को हमने एक अच्छा रूप दिया है, तो अच्छा लग रहा है बहुत. थैंक यू. जो हॉटस्टार के डाटा के हिसाब से 300%, दैट मीन्स 300% ऑफ द टारगेटेड रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड बाय दिस शो. ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है. और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसी तरह से रिसर्च बेस्ड एंटरटेनमेंट हम लोगों के लिए लाते रहे. और ऑलरेडी 2 से 3 शो हमारे ग्रीनलिट हैं, जिसके बारे में हम आने वाले सही समय पर आप सब लोगों को बताएंगे. और वो भी क्राइम थ्रिलर्स है और रियल स्टोरीज पे बेस्ड है, जिस तरह से आखिरी सच था. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए. थैंक यू. लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द मेकर्स ऑफ आखिरी सच, निखिल जी एंड एवरीबडी. बहुत बहुत बधाई हो हॉटस्टार की पूरी टीम को. ये बुरारी कांड जो आया है, आखिरी सच, तमन्ना भाटिया, अभिषेक, सब ने बहुत अच्छा काम किया. बहुत बहुत बधाई हो. और ये टीम ने पूरा मिलकर बहुत अच्छा बनाया है पूरा सबको, और आगे भी बनाएंगे. थैंक यू एवरी. आई मीन सी प्राउड, ज़रा खुशी हुए. इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट. द ऑडियंस हैज रियली लाइक द शो, लव द शो, विच इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, फॉर द एंटायर टीम, बट जस्ट फॉर मी. सो इट्स वैलिडेशन विच इज़ लवली. सो या, फील्स गुड. एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर इस तरह से तमन्ना है, शिविर है और भी बहुत सारे लोग हैं सर. एज अ डायरेक्टर मतलब बहुत ही अच्छा. आई मीन इफ यू एक्टर्स परफॉर्म वेल, लाइक दे हैव, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. एंड द गुड थिंग वॉज आई हैड एक्टर्स हु वर रियली गुड परफॉर्मर्स, सो इट मेक्स माई जॉब रियली ईजी. सो तमन्ना, ए बी, अभिषेक, शिविन, आई मीन निशु, एवरी वन फैंटास्टिक. दानिश, ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस. सो रियली रियली हैप्पी. यार अभी नहीं, यहाँ नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टार्टिंग शूट इन जैन फॉर अ फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स. या सो दैट्स द नेक्स्ट वन. तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी पहले, जिसमें इसी मुद्दे के बेसिस पे थी. वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जब आखिरी सच देखा तो उसे मुझे जो मेरे मन में सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, उसे धीरे धीरे उसे बताया. और काफ़ी हद तक जो आखिरी सच में ग्रिपिंग तो रखा ही था, साथ ही एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग वे में भी उसे दिखाया गया था. मतलब कि आप कहीं बोर नहीं होते हो, बट आपको पूरा का पूरा मुद्दा जानना है. आप वेट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए. उतनी थ्रिलिंग वे में मुझे इन्जॉय किया था. ऑफकोर्स पीपल वॉन्ट टू सी गुड कॉन्टेंट. और कहीं पे बीच में थोड़ा सा, जब OTT पे एक लहर आई थी तो थोड़ा सा कॉन्टेंट लो हो गया था. अब मुझे लग रहा है विथ यू नो आखिरी सच एंड देर आर कपल मोर गुड स्टफ्स कमिंग अप, तो इनसे बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि अगेन थिंग्स आर गोइंग टू बी बैक. थैंक यू. जो आजकल की जनरेशन जितनी भी है, जितना भी यूथ है हमारा, सब लोग ना इंटरनेशनल सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं. नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी बाहर के देशों की आती हैं सीरीज़. तो जब हमारे देश वाले भी उससे कोप अप करते हुए वैसी बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज़ अगर हमारी इंडस्ट्री में अच्छा काम होगा तो ऑब्वियसली हम भी अच्छा काम ही करेंगे आगे. तो लाइक यू नो इस तरह की सीरीज़ बहुत मोटिवेट करती हैं और बहुत अच्छी बना रहे हैं सीरीज़. बहुत चैलेंज भी पड़ता है कि आप और अच्छा काम करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और इतनी बड़ी सक्सेस ये वाकई काबिले तारीफ़ है. तो दिल से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से और इसी तरह सक्सेस पार्टी हम लोग और करते रहें. अभी तो एनिमेशन वाले शोज़ कर रहा हूं मैं, तो ऑगी एंड द कॉकरोच मेरा शो चल रहा है सोनी ए पर, और हनी बनी का झोलमाल भी चल रहा है, वो भी सोनी ए पर है. अभी एक और नया शो आ रहा है जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो भी कमाल का शो है. थैंक यू वेरी मच. See, I haven't seen till now, but इतना नाम सुना है कि अभी इतना मन हो रहा है कि आज ही देखूँ मैं. बट आज ये इवेंट अटेंड किया मैंने, बट आज जाकर देखूँगी मैं. देन आई लेट यू नो कि जो है ईगर के वेट कर रही है आपके.
एक्चुअली मैं भी वेब सीरीज कर रही हूँ एक, बट थोड़े लेट से मैं आई इन्फॉर्म यू. प्राउड तो प्राउड वाली तो बात ही है बिकॉज इतना हिट शो है, लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ द कंट्री है, तो डेफिनेटली मज़ा आता है, सुन के भी अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं एक एक कैरेक्टर्स को, तो मैं उस शो का हिस्सा रही हूँ कभी, तो अच्छा लगता है सुन के. Thank you so much. Oh, I think Nikhil, Mr. Nikhil Nanda has done a fabulous job in casting such fabulous actors. I think Shivin is a good friend of mine. I think he's great in the movie. Tamanna and Abhishek Banerjee is of course fabulous. And I think everybody should definitely watch the web series. And cheers to all our actors. Thank you. Oh, absolutely. Since I have also entered web series now, so it's my arena and I'm really excited. Yes, I think OTT is the future, and a great amount of content is coming, and it's very good to see, you know, opportunities are for all the actors and a wide variety of roles are there. So it's, I think it's the best time for actors. And what's happening on the on my work front, so on Amazon Prime, my web series Campus Beats has released, and another web series which is directed by Prakash Jha is going to release in coming months, which is going to be my debut actually, but this one released first. So I'm really excited for my debut web release in coming months. Best? मैंने promos देखे हैं, पहला episode आज देखा. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. शायद घर जाके पूरा सीरीज देख लूँगा, बट इट्स लुकिंग फैंटास्टिक. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये उज्जवल जी हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, ही इज पार्ट ऑफ इट, ही इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स अ प्लेजर ऑलवेज. वेरी सून. Keep your televisions on, OTT और movies देखते रहना बहुत जल्दी. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनी थी फिल्म, एंड अभी तक जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, इट इज़ अ लवली फिल्म एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट. पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी, आपने फुकरे 3 देखी कि नहीं देखी? तो बस अभी तो फुकरे 3 ही चल रहा है, और कुछ है एक दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, बट अभी सिर्फ फुकरे 3. फुकरे 3 में जो है 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है. जी, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक वील क्रॉस 100 crores. आई थिंक हम लोग 100 crore क्लब में आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तक, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मृग सर, आर डायरेक्टर, एंड द एंटायर एक्सेल टीम, एंड ऑल द 4 फुकराज. ये किसान तो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वो बोए वो सारे लोग जो हैं अच्छे से जो है उगे और खाएं, तो मुझे लगता है कि हमने भी ये जो जब शो बना रहे थे, सो आई थिंक दैट फीलिंग वॉज ऑलवेज देयर कि इट शुड बिकम अ हिट, एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टॉपिक व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. सो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने देखा है, अभी तो बहुत सारे लोग देखेंगे, एंड इफ दे कैन टेक अ क्यू ऑफ लाइफ दैट हाउ मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दैट्स द सक्सेस ऑफ द शो. एब्सोल्युटली. आई थिंक इट्स द ऑनेस्टी दैट्स पेड ऑफ, क्योंकि बहुत ईमानदारी से शो बना है और बहुत सच्चाई से चीज़ें दिखाई गई हैं, और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, उसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द प्राइमरी पार्ट दैट इज़ देयर, एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड द शो इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल, एंड वी आर वेरी हैप्पी. And that's why we are celebrating, yeah. Sir, I actually want to ask you, actors ne jis tarah se story achi hai, lekin actors ne jo hai, jitna sab logon ne isme mehnat kiya, yahan par jo bhi khade hai, jo abhi aa rahe hai aur jo andar hai, un sab ki mehnat ka hi ye phal hai jo ye show nikal ke aaya hai, aur aaj un sab logon ko in front of the camera, behind the cameras, jin jin ne kaam kiya hai, thank you karne ke liye ye party rakhi gayi. Thank you so much. Heartily congratulations everybody. और फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल.
ऑल द बेस्ट. अभी मैं करना चाहती हूँ शेयर, बट दिस इज नॉट द टाइम, वेटिंग फॉर माय टाइम. थैंक यू सो मच. सो आई थिंक या प्लीज लीड इट. So Akhri Sach is, I think, a little unconventional type of a series, and which is very good that Bollywood is venturing out into concept art and much more than the other filmy masala as well, and showing more and more international sort of content. So I think it's a big step up in Bollywood, and I absolutely loved it. And I feel that Tamanna Bhatia and Abhishek Banerjee is a very unusual cast, because I've been casting for the last 28 years. So I think it's a very unique cast. And they are doing exceedingly well. So I wish the team of Akhri Sach all the very best. And Nikhil, my very dear friend, who's a producer of the series, all the very best, Nikhil, for all your future work. Yes, all the very best, Nikhil, and amazing, amazing production. Actually, मैंने ये just देखी अभी, and I am so happy. ऐसी stories हमें बहुत कम देखने के लिए मिल रही है, but thankfully Bollywood अब और encourage कर रही है ऐसी strong motive picture बनाने, not just for entertainment, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिले. And I guess audience को बहुत पसंद आ रहा है. मैं तमन्ना को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी. मेरी फेवरेट स्टार है वो. ऐसा लगता है कि मेरी बहन है. मतलब थोड़ा सा एक लगता है मुझे, वो इतना अच्छा काम कर रही है. और आखिरी सच हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरी सच है क्या. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम.